और दूसरा मैंने भी वो मैच देखा था, लो स्कोरिंग मैच था और इंडिया देखो दोनों तरफ से बॉलिंग बड़ी अच्छी हुई। दूसरी बात ये कि थोड़ा विकेट जो था बॉलिंग के लिए हेल्पफुल था। और रही तीसरी बात कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा बोना क्यों दिखता है, देखो छोटा तो छोटा ही रहेगा। ये 8 मैच हुए हैं जिसमें से एक बार पाकिस्तान की टीम जीती है, उसमें अगर देखा जाए वो, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड कप के मैच हुए हैं उसमें हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। तो मेरे को जो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही प्रेशर लेती है पाकिस्तान टीम, उनके टैलेंट में कुछ कमी नहीं है, लेकिन जितना लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर हम लोगों से बहुत ज़्यादा लेती है वो। और दूसरी बात है विराट का जिस तरीके का परफॉर्मेंस चल रहा है, अगर वो फिट रहा, अगर फिटनेस मेंटेन रखता है तो अभी उसको लगता नहीं दूर दूर तक उसको रिटायरमेंट का कोई है कि रिटायरमेंट लेनी चाहिए। और रोहित का भी यही है, अगर वो फिटनेस उसकी रहेगी, खेलने लायक फिटनेस रहेगी तो टैलेंट तो है ही उसके अंदर, और अच्छे टीम के दोनों मेन इंजन हैं जो पूरे रेल को लेके चलते हैं, और दोनों का खेलना बड़ा जरूरी है। वो मैच के बारे में काफी इंटरव्यूज भी हुए, लेकिन आपको जहन में भी वो मैच याद आता है कि जब आप वो फाइनल ओवर डाल रहे थे, धोनी ने आपको बॉल पकड़ाई और मिसबाह उलक सामने थे, रन अप लेते हुए जोगिंदर शर्मा डिसाइड कर रहे थे ये डालूंगा या स्लो ओवर डालूंगा, आज कुछ ऐसा बताइए जो अभी तक नहीं पता हो। देखिए एक तो उस मैच के हर मोमेंट मेरे को याद हो भी क्यों नहीं, उससे एक आइडेंटिफिकेशन मिली है मेरे को। दोस्तों योर का डालना था, दूसरा बॉल डाला डॉट बॉल भी चला गया, तीसरा बॉल छक्का भी लगा, फुल टॉस बॉल गिरा था, लास्ट बॉल था कि मेरे को यही था आउट साइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर डालूंगा और इसको सिंगल देके चेंज कर, लेकिन वो पहले ही स्कूप के लिए तैयार हो गया था। और मैं जब जंप लेता हूँ तो ये मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड चीज़ है, मैं हूँ जहीर खान है हम कि भी हम लोग जंप में जो दूसरे बॉलर्स होते हैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम हम लोगों के पास रहता है। जैसे मैंने देखा स्कूप के लिए तैयार हो रहा है, बॉल से अंगूठा हटाया, बॉल का लेंथ चेंज किया, बॉल का स्पीड कम किया, और जब बॉल वो खेल रहा था अगर मैं तेज डालता या आगे यॉर्कर डालता तो वो फाइन लेग के ऊपर से निकल जाता। बॉल का स्पीड कम होने से, लेंथ चेंज होने से, वहाँ पर श्रीशांत खड़ा था, जब ऊपर गया जब नीचे देखा तो श्रीशांत, तब ये था यार भाई चलो चौका तो नहीं जाएगा लेकिन भाई श्रीशांत पकड़ लेना, श्रीशांत अगर तूने कैच छोड़ दी तो हम तो बुरा कोई नहीं होगा। उस रात सो पाए थे? उस रात हम लोगों ने मस्ती भी करी भाई, पार्टी भी करी, और फिर हमारे जैसा टीम का डिनर था तो वहाँ पर फिर खाना वाना खाने पर लेट, तो बड़ी लेट हो गए थे, सोते सोते सो गए थे। अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और भारत ने पाकिस्तान को हरा कर एक बार फिर से साबित कर दिया कि T20 वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान भारत के आगे नहीं ठहर पाता। इसके साथ ही कई विवाद भी जुड़े, कामरान अकमल की टिप्पणी हुई, और खासकर जब T20 वर्ल्ड कप का जिक्र हो तो 2007 याद आता है जब भारत ने पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की थी ऐतिहासिक फाइनल में, और उस ऐतिहासिक फाइनल के एक हीरो रहे जोगिंदर शर्मा। हमारे साथ मौजूद है जोगिंदर शर्मा, बात करेंगे। जोगिंदर भाई बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आज पुलिस की वर्दी है आपके शरीर पर, वहां भी देश की सेवा, यहां भी आप देश की सेवा और राज्य की सेवा। वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं देखता हूं आप प्रैक्टिस भी कई बार नेट पे करते रहते हैं, आपने मैच तो देखा होगा, आखिर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान भारत से वर्ल्ड कप में क्यों हारता है, ऐसा क्या हो जाता है कि पाकिस्तान भारत के आगे बोना लगता है? देखिए पहले तो मैं अपनी बात बताऊं कि मैं भी कई बार खेलता हूं कि मन तो करता है, क्रिकेट तो मेरे खून में ही है। और दूसरा मैंने भी वो मैच देखा था, लो स्कोरिंग मैच था और इंडिया देखो दोनों तरफ से बॉलिंग बड़ी अच्छी हुई। दूसरी बात ये कि थोड़ा विकेट जो था बॉलिंग के लिए हेल्पफुल था। और रही तीसरी बात कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा बोना क्यों दिखता है, देखो छोटा तो छोटा ही रहेगा। और दूसरी बात ये है कि 8 मैच हुए हैं जिसमें से एक बार पाकिस्तान की टीम जीती है, उसमें अगर देखा जाए वो, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड कप के मैच हुए हैं उसमें हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। तो मेरे को जो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही प्रेशर लेती है पाकिस्तान टीम, उनके टैलेंट में कुछ कमी नहीं है, लेकिन जितना लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर हम लोगों से बहुत ज़्यादा लेती है वो। और तीसरी बात आप कामरान अकमल की जो बात कर रहे थे उसमें मैं आऊंगा बाद में उसमें बाद में आऊंगा, लेकिन आपने अभी खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, आखिर प्रेशर ज्यादा ले लेना, टैलेंट की कमी नहीं, या तो वो मैच से पहले इतना कुछ अपने आप को बढ़ा चला लेते हैं जब, लेकिन मैच शुरू होता है तो अपनी पकड़ खो देते हैं, उस दिन भी यही हुआ?
देखो एक संतुलन होता है, चाहे जिसको हम बोलते हैं टीम गेम होता है, टीम कॉम्बिनेशन होता है, टीम बैलेंस होता है, वो हर तरीके से होना चाहिए। वो टेक्निकल भी होना चाहिए, वो आप लोगों का परफॉर्मेंस वाइज भी होना चाहिए, और जो सबसे जरूरी चीज होती है तो मेंटल टफनेस जो होती है वो बहुत जरूरी है। जो मैंने देखा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में हमारे 2 मैच हुए थे, मैंने उनके प्लेयर को नजदीक से ऑब्जर्व भी किया है, जो हमारा जो मेंटल लेवल है, जो मेंटल स्ट्रेंथ जो हमारी है, उसके सामने पाकिस्तान का बहुत मोरल कह लो या उनका मेंटल बैलेंस कह लो वो कम है, और उनका कॉन्फिडेंस भी इसीलिए कम रहता है। योगिंदर भाई एक चीज और है कि जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने कमेंट्री अपने बैठे हुए थे अपने मीडिया पे वहां पाकिस्तान में, कामरान अकमल ने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी कह लो के की, और बहुत ही बकवास टिप्पणी मैं उसको कहूंगा, कि 12 बजने को लेकर के सिखों के 12, क्योंकि अर्शदीप ओवर डाल रहे थे, हरभजन ने अपने अंदाज में उनको जवाब दे दिया है, आप खेले हुए हो, ये क्या हो जाता है इनको कि ये जानबूझ के करते हैं, या इनको पता नहीं चलता, या इनको लगता है कि ठीक है ऐसे नहीं तो ऐसे सही? देखिए अगर इस तरीके की बात की तो बड़ी खराब बात है, और जो सिखों का इतिहास रहा है वो तो आपको पता ही है कि किस तरीके से हमारी चाहे देश की आजादी हो, चाहे किसी की रिस्पेक्ट हो, धर्म को लेके, सेवा को लेके, वो जो सिख समुदाय बड़े ऊपर रहते हैं, और अगर इस तरीके से उसने बोला तो बहुत खराब बोला है। वो पहले अपनी तरफ देखे, वैसे तो कुछ है नहीं, वैसे मुंह से कुछ भी बोलते रहते हैं, और बहुत मतलब जो उनका मेंटल लेवल बहुत नीचे है इस हिसाब से जिस तरीके से इस तरीके की टिप्पणी की है उसने अपने खिलाड़ियों को। हालांकि उन्होंने बाद में गालियां भी दी, लेकिन इसको लेके आपको क्या लगता है कि ये कहने के एक सौहार्द बिगाड़ने की बात हो जाती है अगर इस तरह की कोई टिप्पणी करता है, क्योंकि खासकर एक इंटरनेशनल प्लेयर, कामरान अकमल इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, काफी मैचेस खेले हैं, आपको क्या लगता है कि जब बोलते हुए माइंड थोड़ा सा जुबान इंसान की होनी चाहिए जब आप इंटरनेशनल लेवल खेल लेते हो? देखो मैच्योरिटी शो करता है, जो पाकिस्तान के अगर किसी प्लेयर ने इस तरीके से बोला तो दिखाई रहा कि उनका मेंटल जो लेवल है वो क्या है। दूसरी बात यह कि आप बता रहे हैं कि मैंने देखो सुना नहीं है कि वो अपने प्लेयरों को गाली दे रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि उनका टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, पहले क्या रहा होगा, ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल होगा। मैं तो इंडिया के लिए काफी खेला हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट भी हमारी ऐसी रहती है, तो ऐसा नहीं है कि हम इंडिया कभी मैच नहीं हारती है। देखो मैच हारते भी हैं, लेकिन हम लोगों का बैलेंस जो रहता है ये रहता है कि ये मैच हारे तो अगला मैच हमको किस तरीके से जीतना है। वो क्या करते हैं, एक मैच हार जाते हैं तो एक कोई झुंड होता है किसी जानवर का, वो आपस में किस तरीके से लड़ते, एक दूसरे के सिर फोड़ना और गालियां देना, इस तरीके का माहौल ठीक नहीं रहता, अगर इस तरीके का तो गलत बात है। अच्छा अब आगे इंडियन टीम का सफर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पहला मैच जीता, अब आगे जो ग्रुप है उनका, किस टीम से आपको लगता है खतरा है, और रोहित शर्मा विराट कोहली का आपको लगता है कि ये एक लास्ट वर्ल्ड कप होगा T20 में, क्योंकि आगे भी नए प्लेयर आ ही रहे हैं? देखिए ऑब्वियसली बड़े अच्छे प्लेयर आ रहे हैं हमारी इंडियन टीम में, और दूसरी बात है विराट का जिस तरीके का परफॉर्मेंस चल रहा है, अगर वो फिट रहा, अगर फिटनेस मेंटेन रखता है, तो अभी उसको लगता नहीं दूर दूर तक उसको रिटायरमेंट का कोई है कि रिटायरमेंट लेनी चाहिए। और रोहित का भी यही है, अगर वो फिटनेस उसकी रहेगी, खेलने लायक फिटनेस रहेगी, तो टैलेंट तो है ही उसके अंदर, और अच्छे टीम के दोनों मेन इंजन हैं जो पूरे रेल को लेके चलते हैं, और दोनों का खेलना बड़ा जरूरी है, तो इनके फिटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि भी वो लोग आगे आने वाले 2-3 साल में किस तरीके से फिट रहते हैं। आपको वो मैच तो दुनिया जब भी वर्ल्ड कप आता है चलो जोगिंदर शर्मा को याद करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो मैच के बारे में काफी इंटरव्यूज भी हुए, लेकिन आपको जहन में भी वो मैच याद आता है कि जब आप वो फाइनल ओवर डाल रहे थे, धोनी ने आपको बॉल पकड़ाई और मिसबाह उलक सामने थे, रन अप लेते हुए जोगिंदर शर्मा डिसाइड कर रहे थे ये डालूंगा या स्लोवर डालूंगा, आज कुछ ऐसा बताइए जो अभी तक नहीं पता हो। देखिए एक तो उस मैच की हर मोमेंट मेरे को याद हो भी क्यों नहीं, उससे एक आइडेंटिफिकेशन मिली है मेरे को, जो भी नाम हुआ है उस मैच से उस ओवर से ही हुआ है, क्योंकि उससे पहले भी मैं इंडिया के लिए तो खेला ही था और डोमेस्टिक क्रिकेट भी काफी खेला था, कोई ऐसा इंडिया के लिए कोई टेस्ट मैच को छोड़े कोई ऐसी क्रिकेट नहीं है जो नहीं खेला था, लेकिन एक मोमेंट होता है जिससे एक अलग से पहचान मिलती है जो उस ओवर ने मेरे को दिलाई। हाँ जब लास्ट ओवर था और जिस तरीके से रनअप पे था, पहला बॉल गया वाइड गया, सब लोग कह रहे थे भाई वाइड है प्रेशर में है, पर मैं अंदर से बड़ा खुश था क्योंकि जब वाइड हुआ था कि हम लोगों का टारगेट था कि हमें आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर डालना हम लोगों को, लेकिन वो बॉल स्विंग हुआ था, स्विंग होकर और बाहर गया तो वाइड हो गया था। धोनी ने बोला था आपको, हम लोगों का यही टारगेट था पहले जब डिसाइड, हम लोगों को डिसाइड रहता था कि भी हम लोगों को डालना क्या, तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर डालना था, दूसरा बॉल डाला डॉट बॉल भी चला गया, तीसरा बॉल छक्का भी लगा, फुल टॉस बॉल गिरा था, लास्ट बॉल था
कि मेरे को यही था आउटसाइड द ऑप्शन यॉर्कर डालूंगा और इसको सिंगल देके चेंज कर, लेकिन वो पहले ही स्कूप के लिए तैयार हो गया था। और मैं जब जंप लेता हूँ तो ये मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड चीज है, मैं हूँ, जहीर खान है, हम कि भी हम लोग जंप में जो दूसरे बॉलर्स होते हैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम हम लोगों के पास रहता है। जैसे मैंने देखा स्कूप के लिए तैयार हो रहा है, बॉल से अंगूठा हटाया, बॉल का लेंथ चेंज किया, बॉल का स्पीड कम किया, और जब बॉल वो खेल रहा था अगर मैं तेज डालता या आगे यॉर्कर डालता तो वो फाइन लेग के ऊपर से निकल जाता। बॉल का स्पीड कम होने से, लेंथ चेंज होने से, वहां पर श्रीशांत खड़ा था, जब ऊपर गया, जब नीचे देखा तो श्रीशांत है, तब ये था यार भाई चलो चौका तो नहीं जाएगा लेकिन भाई श्रीशांत पकड़ लेना, श्रीशांत अगर तूने कैच छोड़ दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रीशांत ने कैच पकड़ा, हम लोग 2007 पहला T20 वर्ल्ड कप जीते। 2007 के बाद देखिए कि इंडियन टीम में कितना फर्क आया है। आज मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों की वो टीम का जो हमारी सफलता थी, जो हम लोगों ने वो अचीव किया, वो वर्ल्ड कप जो जीते हम लोग, उसके बाद इंडियन क्रिकेट का ग्राफ है बहुत ऊपर आया। T20 वनडे क्योंकि हम लोगों के पास टैलेंट बहुत, हम लोगों का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छा स्ट्रांग है। उस रात सो पाए थे? उस रात हम लोगों ने मस्ती भी करी भाई, पार्टी भी करी, और फिर हमारे जैसा टीम का डिनर था तो वहां पर फिर खाना वाना खाने के बाद लेट तो बड़ी लेट हो गए थे, सोते सोते सो गए थे। पाकिस्तानी प्लेयर से मुलाकात हुई? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं। बट उस टाइम पे ये था कि जब आपने बॉल डाली ना और नीचे जब श्रीशांत को देखा तो आपको पता था कि बॉल जा रही है श्रीशांत नीचे? हम वही देख रहे थे, धोनी ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि धोनी के श्रीशांत कैच पकड़ लेता, लेकिन एक बात बताऊं, श्रीशांत ने उस मैच में एक कैच और बड़ा अच्छा पकड़ा था शाहिद अफरीदी का। वो भी एक बड़ा क्रूशल टाइम था, हमारा टर्निंग पॉइंट था मैच का वो भी। और उसके बाद तो खैर मिसबाह उलहक ने काफी हिटे मारी जिससे कि पाकिस्तान वापस मैच में आया था, लेकिन लास्ट ओवर था, लास्ट बॉल था, लास्ट विकेट था, तो मैं कहा भाई ज्यादा प्रेशर में ना जियो, तो कैच पकड़ लेना, कैच पकड़ा भी। और थैंक यू श्रीशांत कि आज हमारे पास पहला T20 वर्ल्ड कप था, थैंक यू चेस बड़ी। तो मैच के बाद श्रीशांत ने क्या कहा जब डिनर में चल रहा होगा पार्टी के? हाँ ऑब्वियसली बड़े खुश थे हम लोग खैर यही बातें कर रहे थे, श्रीशांत अगर तू कैच छोड़ देता तो। अब बाद में अब ध्यान से देखा मैंने, जब बाद में रिप्ले देखा तो उसका जो लास्ट वाला उंगली उसमें कैच फंसा था वो। मैं उससे पूछा था क्या, कुछ नहीं जोगे भाई, अच्छा था, मेरे को कॉन्फिडेंस था, मैंने पकड़ा तो अच्छा था यार, उसमें टीम कॉम्बिनेशन अच्छा रहा। देखो एक जोगिंदर शर्मा या एक युवराज सिंह किसी इंडिविजुअल प्लेयर के कारण कभी भी हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीतते, पूरा टीम का एफर्ट था, जो हम लोग पूरा किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि हम लोग वहां उस वर्ल्ड कप में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि उससे पहले 50-50 वर्ल्ड कप था जहां पर इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, जिसके कारण सभी सीनियर प्लेयर्स ने भी वहां पर रेस्ट लिया था। उसके बाद नई टीम थी, मैक्सिमम यंग लड़के थे, नया कैप्टन था, धोनी का पहला कैप्टनसी का टूर्नामेंट था, और हमारे पास सीनियर भी 2 या 3 प्लेयर थे, युवराज के 6 छक्के हैं, मतलब सबका कॉम्बिनेशन था, चाहे छोटा छोटा कॉम्बिनेशन था। और रोहित की फाइनल मैच में अच्छी बैटिंग थी, गौतम ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, आरपी सिंह ने बड़ा पूरा टूर्नामेंट में अच्छा बॉलिंग किया था, सबका ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जिस कारण से हम लोग वर्ल्ड कप जीते। लास्ट सवाल, क्या आपको लग रहा है यूएसए में पहली बार वर्ल्ड कप है, पिचेस डिफरेंट हैं क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस हैं, झोली में आएगा वर्ल्ड कप? देखिए यूएस का विकेट ऐसा है, उसमें जैसे टीम हमारा कॉम्बिनेशन है टीम का और जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि हमारा दूसरा T20 वर्ल्ड कप इंडिया में आए। लेकिन अभी जो अच्छे मैचेज आने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, और वहां वेस्ट इंडीज को भी हम कम नहीं हाँकेंगे क्योंकि T20 में अच्छा उनका रिकॉर्ड भी रहा, तो आई विश कि भी हम लोग वर्ल्ड कप जीतें और हमारे पास वर्ल्ड कप आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जोगिंदर, थैंक यू। तो ये थे 2007 वर्ल्ड कप के एक स्टार जिन्होंने ट्रॉफी दिलाई थी, वो फाइनल ओवर हर किसी के जहन में है, पाकिस्तान को भी लताड़ा, सलाह भी दी और उम्मीद भी जताई कि अमेरिका में दूसरा जो वर्ल्ड कप है भारत को, क्योंकि 2007 में जीता था, अब ये फाइनली आए, टीम अच्छा खेले और हमें बेसिकली ट्रॉफी चाहिए और ये टीम में मादा है कि वर्ल्ड कप जीत सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुखजिंदर के साथ उमेश राम, न्यूज 18 पंचकूला।